वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सोनू। दोस्तों, नार्को सेंट्स नाम का एक सीरीज देखा मैंने नेटफ्लिक्स पर। यार, ड्रॉप एवरीथिंग एंड वॉच दिस सीरीज, स्टार्ट वॉचिंग दिस सीरीज राइट नाउ। दोस्तों, एंटरटेनमेंट गारंटीड, एंगेजमेंट गारंटीड, थ्रिल गारंटीड, एक्साइटमेंट गारंटीड, रश गारंटीड, टेंशन गारंटीड, टेंटर हुस गारंटीड, सब कुछ गारंटीड। यार, क्या बना के रखा है। इनफैक्ट जिस तरह से चालू होता है ना यार, वो थोड़ा मतलब स्लो भी है, लेकिन वो स्लोनेस में भी एक मजा है। ये ऐसा एक सीरीज है जिसमें जब कभी भी कुछ स्लो आता है ना, तभी भी आप बोर नहीं होंगे यार, क्योंकि जिस तरह से शूट किया है, जिस तरह से डायलॉग बाजी हो रहा है, जो भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है, जो भी कैरेक्टर बिल्डिंग हो रहा है, स्टोरी बिल्डिंग हो रहा है, वो देखने में इतना मजा आ रहा है कि मैं क्या बताऊं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यार, इसमें जो आदमी है वो क्या है, ब्रदर कैंग, कैंग उसका नाम है। अरे, वो आदमी कहां से कहां, मतलब कोरिया से जहां से वो ट्रैवल करके सूरीनाम जाता है। पहली बात तो सूरीनाम का नाम ही नहीं सुना था मैंने यार, और सूरीनाम जाके जिस तरह से स्केट बिजनेस चालू करता है, और वो पहली बार जब वो उधर का मिलिट्री आदमी से मिलता है, मिलिट्री आदमी बोलता है भाई मेरे को भी शेयर चाहिए, उसके साथ जो नेगोशिएशन करता है कि भाई तेरे को 2000 नहीं मिलेगा यार, अच्छे दिन में 2500 देगा, लेकिन बुरे दिन में सिर्फ 1000 मिलेगा, वो जो कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करता है, वहां पे मालूम पड़ता है भाई इसका दिमाग कितना तेज है और क्या दिखाया है यार। और उसके बाद जब वो चाइनीज गैंग एंटर मारता है, उसको मतलब वापस बोलता है भाई तेरे को अभी प्रोटेक्शन मनी देना पड़ेगा, ये मनी देना पड़ेगा, उसके साथ जो कॉन्वर्सेशन होता है, ब्रिलियंट ब्रिलियंट वॉच। और उसके बाद भाई साहब कैसे अटकता है, वो पहले एक पैस्टर से मिलता है और पैस्टर के वजह से कैसे अटकता है, और उसके बाद पैस्टर को ट्रैप करने के लिए, पैस्टर को ऐसा मतलब फंसाने के लिए क्या वो गेम खेलता है, वो एनआईएस आदमी के साथ, मतलब वो जो उनका जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उनके साथ जो भी वो गेम खेलता है, और उस गेम में क्या कुछ करता है, क्या कुछ नहीं करता है, कौन फंसता है, कौन नहीं फंसता है, और ट्विस्ट इन द टेल जब वो पांचवें एपिसोड में आता है कि भाई एक्चुअल ट्विस्ट है वो, मतलब दैट विल टेक यू बाय सरप्राइज। आप बोलोगे भाई वाह, ये कहां से आ गया, मैं और कुछ नहीं बताना चाहता, दैट इज एन इमेंसली सुपर ट्विस्ट, यू कैन नॉट एवर प्रेडिक्ट, एंड द वे इट हैपेंस इट विल टेक यू बाय सरप्राइज एंड शॉक, यू विल बी लाइक ओह व्हाट इज दिस। तो देखो आप यार, एंड ऑफ कोर्स ये जो आदमी है, कैसे वो पास्टर को फंसाता है कि नहीं फंसाता है, उसका गेम बंद करवाता है कि नहीं करवाता है, या फिर ये खुद फंसता है, अल्टीमेटली क्या होता है, सुपर तरीके से दिखाया, एंड देन एक्शन टॉप क्लास, वो जो गोलीबारी वगैरह जो भी दिखाया है ब्रिलियंट, और लास्ट एपिसोड तो सुपर है यार, उसमें जो थ्रिल, टेंशन, एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट, एंगेजमेंट आपको मिलेगा कि मैं क्या बताऊं यार, ब्रिलियंट ब्रिलियंट टू वॉच यार। और एक एक कैरेक्टर्स जो है यार, जैसे पास्टर एक कैरेक्टर है, पास्टर का जो भी जोड़ीदार है, जो भी उसके ग्रुप में है, एक एक करके सब एक एक कैरेक्टर्स है, फिर वो चाइनीज आदमी दूसरा एक कैरेक्टर है यार, ये कैंग खुद एक कैरेक्टर है यार, एंड प्लस वो जिजित्सु जो करता है, ब्राजीलियन जिजित्सु से जो गिराता है यू नो आदमियों को, विलन्स को, वेरी वेरी नाइस टू वॉच। एंड प्लस ऑफ कोर्स वो जो एनआईएस का जो आदमी है, एनआईएस जो भी एनआईएस आई थिंक, हाँ, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का जो आदमी है, वो भी एक कैरेक्टर है यार, उसका जो इंटरेक्शन होता है पास्टर के साथ, अरे मैं क्या बोलूं यार, वेरी वेरी वेल रिटन सीरीज, वेरी वेल मेड सीरीज, एक्टिंग टॉप क्लास बाय एवरीवन। इनका असली नाम यार याद करने में बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज हैंग हुंग, मतलब वही राइम स्कीम में चलता है, बट इसी उनका नाम ही ऐसा है यार, बट एक्सीलेंट एक्टिंग यार, एक्सीलेंट एक्टिंग बाय एवरीवन, कैंग हो, जुआन हो, पास्टर ने क्या एक्टिंग किया यार, यू वुड लव टू हेट हिम, सुपर्ब एक्टिंग। बाकी वो एनआईएस वाला आदमी हो, इवन बॉडीगार्ड्स हो, चाइनीज वाला भी सुपर्ब यार, यू वुड अगेन लव टू हेट हिम, सुपर्ब एक्टिंग यार। देखो यार, 4 stars out of 5 फॉर नार्को सेंट्स, ओनली 6 episodes, हर एक एपिसोड एक एक घंटा लंबा है, लेकिन यकीन मानो बोर नहीं होंगे आप। लेट मी नो दोस्तों, अगर आपने नार्को सेंट्स देखा तो आपको ये सीरीज कैसे लगा, एंड ऑफकोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना यार, चैनल को, वीडियो को, सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी, वो भी आप दे सकते हो। चलिए, फॉर द मोमेंट, टाटा।